चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अवनीजेश जी, मुझे लगता है आप अपने जवाब पूरा करेंगे, क्यों नहीं 125 करोड़ भारतीयों का परिवार, क्यों सिर्फ 1 लाख लोग? मैं रहमानी साहब की बात का भी एक जवाब दे दूं। रहमानी साहब ने कहा कि बहुत सारे तो ऐसा होता है इनमें से बहुत सारे लोग वोट देने भी नहीं जाते, तो एक तो देखने का तरीका ये कि ये वोट ही नहीं डालने जाते तो इनके पास क्यों जाएं, और एक तरीका ये कि जो लोग वोट डालने नहीं जाते सामान्यतया उनको भी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना, चाहे वो किसी भी पद के, किसी भी कैलिबर के, किसी भी स्तर के हों, ये भी तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन लोगों को जोड़ने के लिए लोकतंत्र में आस्था जगाने का एक प्रयत्न है ना। तो देखने का नजरिया अगर आपका बेहतर है तो ये तय मानिए, एक बात। दूसरा बात, आपने कहा कि सिर्फ 1 लाख राजनीति में नजर और नजरिए की बात, तो कम से कम मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। हाँ, राजनीति में हाँ, जो होता है सब वोट के लिए होता नहीं, हाँ ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि जब तक ये जो अब तक 60-70 सालों तक जो राजनीति चली है उसमें ये सब बातें फोकी लगती हैं, फेक लगती हैं, लेकिन एक राजनीति का नया व्याकरण भी तो बनना चाहिए। किसने सोचा था 2014 में ये सब कुछ होगा या उसके बाद ऐसा होगा? व्याकरण इसलिए तो नहीं गढ़ा जा रहा कि महागठबंधन का खतरा महसूस हो रहा हो, पहले गोरखपुर फूलपुर, उसके बाद कैराना नूरपुर, और उसके पहले अगर जाए अजमेर, उसके पहले 21 और 4 25 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, कितने आए बीजेपी के खाते में? वैसे जवाब नलिन ने दिया, ठीक है, मैं नलिन जी के पास चुनाव तो देख रहे हैं लेकिन 21 राज्य नहीं देख रहे, देखने का नजरिया है ना ये सर? 21 राज्य में, नहीं नहीं, एक राज्य में ये भी तो नजरिया है ना, आप ये भी मेघालय के बारे में क्या कहेंगे, आप गोवा के बारे में क्या कहेंगे, आप बिहार के बारे में क्या कहेंगे, आप अच्छा और उस बाकियों के बारे में? ठीक है, नलिन जी के पास चलता हूँ ना, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। नलिन जी, ये महागठबंधन का डर है संपर्क फॉर अभियान या फिर संपर्क फॉर समर्थन, माफ कीजिएगा, या फिर एक स्ट्रैटेजी जिसके तहत वाकई प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर हम उपचुनाव की बात करें और हाल में हम गोरखपुर से शुरू करें, गोरखपुर फूलपुर से शुरू करें और उसके बाद कैराना और नूरपुर तक आए, तो तबीयत तो खराब हुई है। लोकतंत्र में हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव में है कि जो वोटर है, आम चुनाव जो वोटर है, वो उसके पास पूरी जानकारी हो और फिर अपना मत जानकारी के आधार पर तय करके किसको देना है उसका अधिकार है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है। दूसरी बात, आपने पूछा महागठबंधन का, तो माफ करेगा, मुझे अभी तक तो महागठबंधन के बारे में जानकारी नहीं है। कौन सा महागठबंधन? मैं 3 फॉर्मूले पढ़ रहा हूँ टीवी पे के डिबेट्स में। पहला, जो कांग्रेस उसको लीड करेगी। दूसरा, उसका कांग्रेस का नेतृत्व नहीं होगा, कांग्रेस उसका भाग होगा। और तीसरा, जिसे कई बार फेडरल फ्रंट कहा जाता है, जिसमें कांग्रेस भी नहीं होगी, बीजेपी भी नहीं होगी। कौन इनके नेता होंगे? क्या कोई नेता के नाम पे होगा? महागठबंधन बना कहाँ है? पिछले 2 दशकों से कई डिबेट्स में हम लोग बैठे हैं, जब बन जाए उसको महागठबंधन या फेडरल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, 50 जो नाम बोले जाते हैं उनमें से जो नाम उनको तय होगा। कर्नाटक में तो एक झलकी तो दिखी, लेकिन कम आज से कम के दिन कौन सा महागठबंधन? कर्नाटक में दिखी तो थी कम से कम झलकी, कर्नाटका में सारे एक मंच पे आए जी, कर्नाटका में सब एक मंच पे आए। मंच पर राजनीतिक लोग, भाजपा विरोधी हो, एक साथ भी आ जाए, इसमें कौन से मतलब हैरान करने वाली बात है? और दूसरी बात, अगर आप कर्नाटक की, तो पहले बना था ये सेक्युलर के नाम पर, उसके बाद अगेन मीडिया ने ही जो रिपोर्ट किया, मैं अपनी जानकारी नहीं दे रहा कोई, उसमें आया कि पोर्टफोलियोज की लड़ाई हो रही है, उसके ऊपर में कई मीडिया ने दिखाया कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक कहने की बात थी। इसीलिए किस विचारधारा पे ये लोग एकत्रित होंगे, एकत्रित होंगे, कौन नेतृत्व करेगा, क्या सिर्फ भाजपा विरोधी होंगे, मोदी विरोधी होंगे, ये बड़ी बातें हैं। ठीक है, जोई सिंह मुझे लगता है सर ठीक जवाब देंगे, स्थिर हो जाएंगे ठीक है, हम उस पे जरूर कुछ बोलेंगे। विवेक जी, जी विवेक जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और इनका जो 40 से ऊपर पार्टियों का गठबंधन है, ये इस उम्मीद में है कि गठबंधन अन्य पार्टियों का ना हो। गठबंधन बन रहा है, बन जाएगा, आपको दिखाई भी देगा, आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी दिखाई देगा। बाकी आप तो बदल रहे हैं, आप तो कह रहे थे हम नेता पे चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, हम एक पार्टी हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं, तो गठबंधन भी नेता पे चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव
चुनाव हो जाने दीजिए, प्रधानमंत्री किसको बनना है, उसको लीड किसको करना है वो भी डिसाइड हो जाएगा। और आप सही कह रहे हैं, टेलीविजन पैनल पे तो नहीं हो सकता है, वो अपनी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप एक और बात कह रहे थे कि कोई भी पार्टी किसी की केवल विरोध कर कर नहीं चुनाव लड़ सकती, चुनाव सकारात्मक तरीके से लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए, मुद्दों पर लड़ना चाहिए, और तीनों चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, ना तो झूठ बोलेंगे, ना तो गलत आंकड़े बताएंगे। हाँ, रिपोर्ट कार्ड जरूर, डबल इंजन की सारी सरकारें हैं, बहुत सारी सरकारें गिनाई गई, संपर्क और समर्थन आप लोग भी कर लीजिए, इतनी क्या नाराजगी है जी? बोले एकादत संपर्क और समर्थन आप भी कर लीजिए। किसका समर्थन? हम करते हैं, हमारा संपर्क और समर्थन चलता रहता है, किसानों से, जवानों से, मजदूरों से, कामगारों से, जीएसटी से पीड़ित जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, डीमोनेटाइजेशन से जो लोग आज के दिन में खड़े हैं सड़कों पर। मैडम रिजल्ट तो कुछ और कहते हैं, बीजेपी कहती है 21 राज्यों में सरकार है, उपचुनाव आप जीते, चुनाव वो ले जाते हैं, बीजेपी सोचे, और आप कहते हैं कि आप संपर्क और समर्थन चलाते रहते हैं। देखिए विवेक जी, हम अपने एजेंडा पे चलते हैं और बीजेपी क्या कह रही है उनको कहना भी चाहिए। नूरपुर में वोट परसेंटेज की बात करें तो आप सभी पार्टियों को मिलाकर 51% मिला, बीजेपी को अकेले लगभग 47% मिला, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बताते हैं। अच्छा भाई, बीजेपी फूलपुर में जीत गई, आप कहना चाहते हैं फूलपुर में बीजेपी जीत गई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गोरखपुर में बीजेपी, जोई सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई खास स्ट्रेटेजी के तहत कोई काम कर रहा है जी, तो वो स्ट्रैटेजी, रणनीति, हाँ, और मुद्दे तो, जो चुनावी मुद्दे हैं, जो विकास की योजनाएं, दोनों अलग अलग है, मैं ये बात कर रहा हूं जी। ठीक है, अंबिकानंद साय जी, चुनावी रणनीति तो कोई भी किसी को नहीं बताता है, बिल्कुल जी, मैं यही सवाल कर रहा हूँ। ये महागठबंधन जो जूही जी कह रही है, महागठबंधन के डर के कारण है या उपचुनाव में जो रिजल्ट आया उसके कारण है, या बीजेपी अपनी योजनाओं को, या जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा विवेक जी, और आप स्वयं कर्नाटका चुनाव में थे, आपने वहां देखा रूरल एरियाज में वोटिंग ज्यादा हुई, बेंगलोर में कितनी प्रतिशत हुई, और जो शहरी मतदाता है ये देश में मान्यता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश वोटर होता है, वहां ऐसी शुष्कता क्यों आई? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। बैंगलोर में वोटिंग परसेंटेज आज तक कभी अच्छा नहीं रहा, नहीं, इस बार कंपैरेटिवली पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा नहीं रहा, हाँ, था 40% के आसपास। अच्छा, आप इधर इलाहाबाद का मैंने एग्जांपल दिया, मैं तो यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका विरोध नहीं है कि संपर्क अभियान नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ये प्रजातंत्र में होना ही चाहिए और हर पार्टी द्वारा होना चाहिए, लेकिन अभी अचानक ये क्यों हो रहा है मैं वो समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विथ ए डिफरेंस मानी जाने वाली पार्टी की छवि आज वो नहीं है जो कल थी। नहीं तो क्या वो इमेज में मेकओवर कर रहे हैं? इमेज छवि कल थी, वो उस छवि से बाहर आना चाहते हैं। जी, ठीक है, रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं नलिन जी से जवाब लूं, सुभाष कश्यप जी के पास भी चलूंगा। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि नलिन जी जो अभी से कास्ट इज ट्राइंग टू कास्ट एस्पर्शंस ऑन अ महागठबंधन, अब आप तो खुद ही एक गठबंधन में हैं, आप एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट आज की तारीख में आप लीड कर रहे हैं, आपके पास अपने सिर्फ 271 MPs हैं, बाकी तो आप एक गठबंधन है जिसके सहारे से आप सरकार चला रहे हैं। तो अगर अपोजिशन भी एक गठबंधन बना रही है तो ये अपोजिशन का राइट है, वो कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, उस पर अभी से सवाल खड़े करना कोई बहुत मुनासिब बात तो है नहीं, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम वापस आए कोई विषय पे, आप जो इस मुल्क के बड़े लोगों में से एक राबता करना चाहते हैं उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा और अभी सुभाष कश्यप जी ने तो बहुत ही आजिजी के साथ एक बात कही है, आप ये लोग वोटर नहीं है, ये जिन 1,00,000 लोगों को चिन्हित करके आप जा रहे हैं ये वोटर तो है नहीं, मतलब वोटर है लेकिन ये ज्यादातर वोट करते नहीं है इस किस्म के लोग, ना इनके कहने से, लेकिन ये ओपिनियन मेकर्स हैं। आप ओपिनियन मेकर्स के पास अगर जा रहे हैं और ये मैसेज आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत महसूस हो रही है कि वो ओपिनियन मेकर्स के पास जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है और ये लिया जाना चाहिए, जो ये समझने की कोशिश हमारे जो हमारे साथ जो जर्नलिस्ट बैठे हैं ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी महसूस कर रहे हैं कि ओपिनियन खराब होने लगी है पार्टी के बारे में,
उस ओपिनियन को मेकओवर करने के लिए आप उन 1 लाख लोगों के पास जाना चाहते हैं जो जिले के स्तर से सेंटर के स्तर तक एक ओपिनियन रखते हैं, राय रखते हैं, ठीक है, और फिर आप किसी मौके पे उनको अपने कैंपेन में यूज करने के लिए लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वाजे मैसेज दे रहे हैं कि ओपिनियन आपके खिलाफ हो चुकी है, ओपिनियन मेकओवर या इमेज मेकओवर। सुभाष कश्यप जी, रहमानी साहब की बात जो यहां पर उन्होंने रखी, ये ओपिनियन मेकओवर है क्या बीजेपी के लिए? आप जब अमित शाह से मिले तो क्या आप महसूस कर पाए? देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी दल से मेरा कुछ लेना देना नहीं है जी, और समर्थन का सवाल नहीं है। मेरे लिए ये संपर्क का विषय अधिक था, और राजनीतिक दलों की दलदल में मुझे घसीटने का प्रयास न करें। मैं एक संविधान का साधारण सा विद्यार्थी हूं, और सभी दलों को और सभी दलों के नेताओं को पूरा अधिकार है, और उसका वो प्रयोग भी करते हैं कि मेरे से जो पूछें मैं उसका जो ठीक लगे वो उत्तर उन्हें दे सकूं। केवल भाजपा के नेता संपर्क करते हों ऐसा नहीं है, कांग्रेस के दूसरे दलों के नेताओं का भी मेरे से संपर्क होता है। कश्यप जी, चलिए सवाल को, उन्हें भी जो मुझे ठीक लगता है। कश्यप जी, इस सवाल को एक और आयाम देता हूं, राजनीतिक दलों के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि करना चाहिए। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि संपर्क करना हर एक दल के लिए अच्छी बात है, हर एक दल को चाहिए कि सभी लोगों से, साधारण लोगों से भी संपर्क स्थापित करें। ठीक है, नलिन कोहली जी, मेरा सवाल आपसे, जो रहमानी साहब कह रहे थे, एक तो महागठबंधन को लेकर उलझुल बातें करना और महागठबंधन का मजाक बनाना, क्या ये सही है? मैंने मजाक नहीं कहा, आपने कहा महागठबंधन बन गया, उधर मैंने जवाब दिया कि महागठबंधन कहां बना है, बनेगा क्योंकि इस पर कई बार हम डिबेट्स में बैठे हैं तो उस पर हम टिप्पणी देंगे जी। आज एक चीज पर प्रयास हो रहा है जैसे पिछले कई दशकों से प्रयास हो रहा है, और वो मूलभूत बातें अभी भी उन पर कोई जवाब नहीं है। मुझे आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप जो है प्रोग्राम करते होंगे, कि 3 फॉर्मूलाज पे कौन सा फॉर्मूला है, कांग्रेस नेतृत्व का महागठबंधन, कांग्रेस शामिल हुई वही महागठबंधन, या कांग्रेस को हटाकर एक महागठबंधन? तो ये कई विषय है, इसमें मजाक की क्या बात है? और दूसरी बात है कि अगर वो बन गया है महागठबंधन, ये उनका अधिकार है, आज बने नहीं है तो ये प्रक्रिया जो है पिछले, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि पिछले कम से कम एक दशक में मैं तो डिबेट्स में बैठा हूँ जिसमें महागठबंधन की बात कई बार हुई है। अब ठीक है, मुझे एक दशक में इसका जवाब नहीं मिला, हो सकता है इसका जवाब कल मिल जाए, परसों मिल जाए, अगले एक दशक में ना मिले। फूलपुर में उसका जवाब, जो चीज अभी बनी नहीं है फूलपुर में उसका मजाक कौन उठा रहा है? मैं तो सिर्फ कह रहा हूं जब बन जाएगा तब हम जवाब देंगे। तो ये पार्टी की प्रॉब्लम है, जवाब तो मिला है, जवाब तो मिला है, फूलपुर में जवाब मिला है, कैराना में जवाब मिला है। साहब, अगर मैं इससे सहमत नहीं हूं, अगर आप महागठ, आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। मैंने अर्ज किया कि इसे अगर आप महागठबंधन नहीं मानना चाहते तो आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, लेकिन जनता ने तो एक जवाब दिया है, आप उस जवाब को अगर एग्री नहीं कर रहे तो ये आपका मसला है, लेकिन जनता ने जवाब जरूर दिया है। नहीं, मैं आपसे इस पे भी सहमत नहीं हो सकता रहमानी जी, क्योंकि पहली बात, खुद प्रोग्राम के अंदर में ये आंकड़ा सुनाया गया है कि 4% का फर्क था। कांग्रेस इस महागठबंधन में नहीं थी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना डिपॉजिट तक खोया। अब बात हो रही है महागठबंधन की, तो ये भी एक अजीब गरीब महागठबंधन थे, 2 पार्टियां साथ हो जाती है, कॉमन कैंडिडेट करते हैं बाय इलेक्शन के लिए, तीसरी पार्टी उसमें शामिल नहीं है, वो अलग से अपना कैंडिडेट देते हैं, तो महागठबंधन बना कहां? यही तो मैं कह रहा हूं, जब बन जाए, यदि बन जाए तो जरूर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ठोस रूप से। ठीक है, अंबिकानंद साहब जी, महागठबंधन मानने को तैयार नहीं है, फिर नतीजा सामने आ गया, देखते हैं। और जब महागठबंधन पूरा बन जाएगा जो अभी प्रोसेस में है, तब फिर क्या होगा, ये चिंता तो होना आपके लिए स्वाभाविक है अंबिकानंद जी, आपको होनी चाहिए। अगर आप नहीं होना चाहते इससे चिंतित, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों के पास आऊंगा जी। मैं चलो कर्नाटक का उदाहरण दे देता हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस, जेडीएस और अन्य पार्टियां अलग अलग लड़ी, मंच पे साथ आए जहां पर सरकार जब बनी,
आप कहते हैं भाजपा हारी, वोट कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, कांग्रेस 122 से 78 पे आ गई, तो कांग्रेस की तो सरकार गई। भाजपा 40 से 104 पे आई, ठीक है हमें आधा आंकड़ा नहीं मिला, लेकिन 40 से 104 पे आए हम। और जेडीएस कांग्रेस के विरुद्ध खड़े होकर उसको वोट नहीं मिला, 40 उसके तो कम सीटें थी, 30 से कम, तो इसे 40 से कम। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि इसको महागठबंधन का नाम देना, क्या ये सही है, उचित है, क्या ये महागठबंधन है? सर आपका मुकाबला ही महागठबंधन से होगा 2019 में, नलिन कौली जी। उसको तो कहा ही नहीं गया, उसको किसी ने कहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कहा नहीं है, महागठबंधन को मानने को क्यों तैयार नहीं है बीजेपी या एनडीए के लोग? अंबिका जी देखिये, जोई जी आ रहा हूँ आपके पास, अंबिका जी से एक सवाल ले लूँ मैं। देखिये विवेक जी, मेरा नजरिया बिल्कुल भिन्न है जी। भारतीय जनता पार्टी खुद एक महागठबंधन को लीड कर रही है, ठीक है, और ये सत्य है, ये कोहली जी भी जानते हैं, सब जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अपोजिशन की महागठबंधन अभी निर्माणाधीन है जी, कुछ उसके परिणाम कैराना में, फूलपुर में, गोरखपुर में, नूरपुर में दिखाई दिए, लेकिन व्यापक तौर पे अभी निर्माणाधीन है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आवश्यकता ऑपोजिशन पार्टीज की आज है, और आविष्कार की जननी हमेशा आवश्यकता होती है। अगर अभी सर्वाइवल एट स्टेक है उनका, सामने एक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व, एक टावरिंग लीडर खड़ा है, जैसे किसी जमाने में इंदिरा जी के वक्त हुआ करता था, सारे लोग मिल जाते थे, तो मिलकर लड़ेंगे तो सर्वाइव करेंगे, नहीं मिलकर लड़ेंगे मारे जाएंगे। ठीक है जोई जी, क्या कह रही थी आप? विवेक जी मैं कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में इनके पास 73 सीटें हैं, और एक गठबंधन जिसको ये गठबंधन न माने, महागठबंधन न माने, कुछ भी न माने, वो तैयार खड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में आपको कोई सीट मिलने वाली नहीं है, और धीरे धीरे ऐसे हर स्टेट में होगा। आपके सामने जरूर 2019 के पहले एक जो दशकों से नहीं देखा वो दिखाई देगा, और मजबूत प्रीपोल अलायंस दिखाई देगा, तब उस पर टिप्पणी कर लीजिएगा। नहीं सीरियसली लेना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कमाल का कॉन्फिडेंस है लेकिन दोनों गठबंधन का, एनडीए का भी कमाल का कॉन्फिडेंस है, जो महागठबंधन मानना नहीं चाहते, और महागठबंधन का कमाल कॉन्फिडेंस है कि यूपी में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलेगी। चलिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। अब निजेश जी, क्या प्रणब दादा को बुलाना भी संपर्क फॉर समर्थन है? ये आप पूछ सकते हैं। 1934 में जब वर्धा में गए थे, तब देश में इलेक्शन भी नहीं होते थे, तब गांधी जी गए थे वर्धा के शिविर में, प्रभाकर राव गए थे, जयप्रकाश नारायण गए थे जी, जनरल करियप्पा 1959 में गए थे, नहीं 2018 में, तो इसलिए दादा जा रहे हैं आरएसएस के मंच पर, ये भी संपर्क और समर्थन है। मैं पूछ रहा हूं, मैं आपको आपको जवाब नहीं दिया, मैंने कहा 1934 में गए थे गांधी जी, तो वो कौन से चुनाव जीतने के लिए गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सवाल को, सवाल की एक संगति भी होती है, क्योंकि इसको हर चीज को आप 2019 से जोड़ते हैं जी, ये ठीक नहीं है। नहीं, एक बड़ी अहम तस्वीर आ रही है, शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उनके घर पहुंचे हैं अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष, संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत। अंबिका जी एक सवाल आपसे, फिर मैं नलिन जी से एक सवाल ले लूंगा छोटा सा। मेरा सवाल ये कि छत्रप जो हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडीए में हैं, जैसे शिवसेना भी है, उनके साथ भी जो संपर्क वो कमजोर पड़ रहा है, तो इस लिहाज से भी उन दलों के यहाँ जा रहे हैं? ये बिल्कुल, और ये तो सच्चाई दिख रही है जी, वो गठजोड़ जो है बहुत कमजोर पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द बिग ब्रदरली एटीट्यूड ऑफ बीजेपी जी। देखिए 4 साल हो गए इस गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी ही छाई रही, तो वो अपने को किसी न किसी तरह इग्नोर महसूस करते हैं, और वो कड़ी कमजोर हुई है, अब उनको साधने की एक नई सिरे से कोशिश हो रही है, साधने की कोशिश हो रही है। नलिन जी, आज शिवसेना के दरवाजे पर, कल अकाली दल कि जो कर्ता धरते हैं उनसे मिलेंगे, 3 जून को रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान से मुलाकात हुई थी, छत्रपों को साधने की भी कोशिश हो रही है इसमें, इस लहजे से देखिए इसे कम से कम। पहली बार ऐसा कोई टच नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। दूसरी बात है कि एक चीज मानिएगा जी, एनडीए के अंदर में कोई भी पार्टी शामिल होती है, वो अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी है, उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन सरकार में तो हम साथ है ना, सरकार से शिवसेना कभी बाहर नहीं गई है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो हम ऑलरेडी एक गठबंधन में हैं, और गठबंधन के अंदर में विचारों का आदान प्रदान मिलना ये तो रहता है। यहाँ तो गठबंधन जो बना नहीं, वहां विचारों का आदान प्रदान का एक प्रयास किया जा रहा है, तो अगर वो स्वाभाविक है तो ये कैसे अस्वाभाविक हो गया? ठीक है चलिए, लेकिन ये संपर्क फॉर समर्थन
कितना रंग जमा पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज सोशल मीडिया पर हमने जो सवाल किया था वो भी आपके सामने रख देते हैं। हमने पूछा था संपर्क फॉर समर्थन 2019 में क्या बीजेपी को इससे सत्ता मिलेगी, इस पर दर्शकों ने क्या कहा। 82% लोगों ने हाँ कहा, 15% लोगों ने कहा ना कहा है, जबकि 3% लोगों ने जवाब नहीं दिया है। यानी कि देश का एक बड़ा तबका और सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों का बड़ा तबका मानता है कि ये जो कैंपेन है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा।